एक बार एक युवक पूज्य कबीर साहिब जी के पास आया और कहने लगा, गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान और विवेकयुक्त हूँ तो मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर साहब ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक अन मने भाव से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर साहब के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था किंतु आपने उत्तर नहीं दिया, क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर साहब ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी किंतु बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब कबीर साहब ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह निकल जाएगा। यही काम हमारे लिए सत्संग करता है। वो हमारे मनरूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। सत्संग हर रोज नित्य प्रति हृदय में सत को दृढ़ कर असत को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण।